हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ बिहार के फेमस चावल के आटे से बनी चरौड़ी की रेसिपी, जिसे आप चावल के फूल कचरी या चावल की बड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये बिहार की फेमस है और बिहार में काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। इसे आप खिचड़ी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, चावल दाल खिचड़ी के साथ पसंद करते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है 2 बड़े कप। तो आप चावल का आटा मार्केट से भी मंगा सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है, या फिर घर में चावल को सुखा करके पीस करके मिक्सी में चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मार्केट से मंगाई हूँ। और 1 कप बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। तो एक हमने बड़ा सा भगोना लिया है, उसमें चावल के आटा को डाल दिए हैं। आप जितना आटा बना सकते हैं इसमें चरौड़ी उतना आटा डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ हमने नमक लिया है, तो नमक आपको हल्का डालना है, ज़्यादा तेज नहीं। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाले हैं, आप टेस्ट के अनुसार अपना डालिए जितनी सामग्री हो। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अजवाइन लिए हैं, तो अजवाइन हम 1 चम्मच डाल दिए हैं और इसको क्रश करके इस तरह से डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है ये कलौंजी यानी मंगरैला, तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे मंगरैला भी ले लिया है और इसको भी इस तरह से साफ़ करके अच्छे से हमने रख लिया था, उसको भी इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है ये बेकिंग पाउडर है, तो आप यहाँ बेकिंग सोडा भी यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे कि हमारी ये चरौड़ी बन करके सॉफ्ट हो, तैयार हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। तो हम यहाँ 1/2 छोटी चम्मच ये बेकिंग पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने 1/2 छोटी चम्मच डाल दिया है। और इन सब चीज़ डालने के बाद पहले हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं चावल के आटों को। तो चावल के आटा में हमने इन सब चीज़ को मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम पानी लेते हैं, तो पानी को इसमें हम डालेंगे। तो एक बार हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, तो हमने क्योंकि एक बार में पूरा सा पतला घोल तैयार हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह से आप देखिए। तो हमने यहाँ पे 1 गिलास तक पानी डाला है और डाल करके हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, लम्स गुठलियाँ नहीं रहेगी। तो हमने यहाँ पे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फिर देखिए हम फिर थोड़ा सा और पानी 1 गिलास डाले हैं और इस तरह से आपको इस तरह से मसल करके अच्छी तरह से घोल तैयार कर लीजिए। और ज़रूरत अगर गाढ़ी हो तो फिर आप पानी डालें, नहीं तो इस तरह से आप देखिए कोई लम्स इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रही है। तो आप देख रहे हैं इस तरह का बैटर होना चाहिए ना, जो बहुत पतली है और ना गाढ़ी है, तो आप देख रहे होंगे इस तरह का ही बैटर होना चाहिए, पतली ही समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे बना के इसको रख दिए हैं एक तरफ, और इधर हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में हम इसको डाल देते हैं। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है और इन घोल को हम चावल वाले आटे के घोल को इसमें डाल दिए हैं। और डाल करके फिर हम इसको लगातार चलाते हुए गैस को मीडियम करके पकाएंगे, ताकि हमारी आटा कच्चा न रहे और अच्छी तरह से पक जाए। तो हम इन्हें लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये फिर नीचे तली में बैठ भी जाएगी और गुठलियाँ इसमें पड़ जाएगी। तो देखिए आपको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो हमने यहाँ पर इसको 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाए हैं। तो इस तरह से ये गाढ़ी हो गई है, आप देख रहे होंगे इस तरह से ये गाढ़ी हो गई। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और भी, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहे। तो इस तरह से आप अच्छे तरह से इसको चला करके और इस तरह से कर लीजिए। और तो देखिए पानी सूख गई है और इस तरह से तैयार हुई है। अब ज़्यादा आपको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि और भी ज़्यादा बाद में ठंडी होने के बाद गाढ़ी होगी। तो हम अब इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं और ठंडे होने के लिए हमने इसको रख दिया था। तो ये 5 मिनट के अंदर में ठंडी हो गई है। तो हम चलते हैं इसको बनाना शुरू करेंगे चरौड़ी। तो हमने यहाँ पर धूप में आ गए हैं और धूप में हमने एक प्लास्टिक को बिछा लिया है, पन्नी प्लास्टिक कोई भी हो, साफ़ सुथरी, जिसको आप बिछा लीजिए। धूप जहाँ पे आपके आता हो, छत पे या फिर बालकोनी में जहाँ भी धूप आता हो। तो हमने यहाँ पे देखिए प्लास्टिक को बिछा लिया है। और प्लास्टिक को बिछाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम चरौड़ी को बनाएंगे।
तो इस तरह से हमने आटे को ले लिया हाथ में और इस तरह से आपको बनाना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से गोल गोल करके हम डालते जा रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको साड़ी चरौड़ी को बना के तैयार कर लेना है। तो आप देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं। और अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तो फिर आप उसमें आप पानी मिला करके और पतला कर सकते हैं कि बहुत गाढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा उसमें हल्का पानी और मिला करके और पतला कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए इतना बना लिया है चरौड़ी को, यानी चावल के फूल कचरी को इस तरह से आप बना लीजिए। तो हमने इतना बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब सारी कचरी को हम फिर बना लेते हैं। तो अगर गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा मेरा, तो फिर मैं पानी इसमें रखी हूँ और पानी को मिला लेते हैं। तो पानी को हमने मिला करके और थोड़ा पतला कर लेंगे और फिर अच्छी तरह से फिर बनना शुरू हो जाएगा चिकना चिकना। तो इस तरह से हमने हल्का पानी उसमें मिला लिया और मिला करके, और बीच बीच में हाथ भी पानी से थोड़ा सा धो लीजिए ताकि आपका हाथ में नहीं सटे। तो देखिए हमने साड़ी चरौड़ी को यहाँ पे बना लिया है और धूप में हमने छोड़ दिया था। तो धूप में शाम तक हमने जहाँ तक धूप लगे छोड़ दिया, और शाम हो गई है तो हमने फिर इसको देख लेना है कि हमारी सूखी है या नहीं। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे तो हमारी चरौड़ियाँ ऊपर से तो सूख गई है चावल की फूल, अब देख रहे होंगे आप नीचे से थोड़ा सा ये कच्चा रह गया है और ऊपर से सूख गई है। तो हम इस तरह से सारी चरौड़ियाँ को छुड़ा करके और रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लास्टिक से सारा को छुड़ा करके और एक बर्तन में रख लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन में रख करके और इसको अगले दिन भी हमने धूप यहाँ पे सारा दिन लगा लिया। तो अच्छी तरह से हमारी ये चरौड़ियाँ सूख गई है। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी चरौड़ी बन करके ये सूख करके तैयार हुई है। तो आप इस चरौड़ी को डब्बे में बंद करके आप रख सकते हैं, ये सालों साल तक ख़राब नहीं होती है। आप 2-3 साल तक इसको रख सकते हैं और बीच बीच में धूप भी दिखाते रहिएगा तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब हम इसको छान के भी आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हम ऑयल डाल दिए हैं। तो जिस ऑयल में आप इसको छानना पसंद करते हैं उस ऑयल में डालिए। फिर ऑयल हमारी गर्म हो गई है तो ऑयल को काफ़ी गर्म कर लेना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे चरौड़ी को इसमें डाल दिया है और इस तरह से आपको चलाते हुए चरौड़ी को छान लेना है। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी चरौड़ी फूल रही है, देखिए किस तरह से तेल में। अब हम छान लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे इस तरह से तेल से छान के निकाल लेना है। तो देखिए आप किस तरह से हमारी चरौड़ी बन करके तैयार हो गई है अच्छी तरह से, ये फूल के तरफ बन कर तैयार हुई है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी ये कचरी फूल बन के तैयार हुई है चावल के आटे से। ये बिहार की फेमस है। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट बना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।